सो लास्ट वीडियो में जाना था चैट जीपीटी के बारे में, लाइक क्या क्या कर सकता है वो, और मतलब कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी चैट जीपीटी फीचर के बारे में, बट मैंने ये नहीं बताया यार कि मतलब क्या क्या कर सकते हैं उससे, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चैट जीपीटी 3.5, चैट जीपीटी 4 की जो तीन ऑप्शन है उनको सबको टेस्ट करेंगे, सबको तीन लेवल तक टेस्ट करेंगे। लेवल 1 में ईजी क्वेश्चन देंगे, उसके बाद लेवल 2 में थोड़ा हार्ड, लेवल 3 में मतलब थोड़ा सा और हार्ड। अभी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, अभी यहाँ हम इजी क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है, वैदिक पीरियड दिया है, मौर्य एम्पायर दिया है, गुप्ता, ऐसे सारे एम्पायर दिए हैं, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, 9 points। ये थोड़ा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू चैट 3.5। वेल बेटर है, फार बेटर है 3.5 से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो इसने भी 9 points में कवर किया है। ओके, सो लेट्स से इसको रखते हैं टेस्ट 2। सो ये दो चीजें मैंने कर ली, अभी मैं क्या बोलता हूँ इसको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसके बारे में बताओ, पहले पूछ लेते हैं उसके बारे में क्या बताता है ये। ये हो गया हमारा टेस्ट 3। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट 4। टेस्ट 4 में हम डेटा एनालिसिस का यूज करेंगे, और हाँ ऑफ कोर्स उसमें मैं पीडीएफ भी क्रिएट कर सकता हूँ, सो मैं अभी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। बेटर क्रिएट ऑन पीडीएफ, ओके ई मिस विद सी यूजिंग पीडीएफ मैजिक, ये प्लगइन का यूज करके पीडीएफ क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमें एक लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक ऐसी चीज होती है वो। तो यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया है और एक लिंक दे देगा, जस्ट इस लिंक पे क्लिक करके हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड वो भी दिखा देगा जो उसने जनरेट कर रखा है, और एक साइड हमें और एक पेज मिल जाता है जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, डेफिनेटली इट्स बेटर देन दिस वन। इसमें भी सेम क्वेश्चन मैं पेस्ट करता हूँ और जस्ट इंटर करता हूँ। सो इसने टोटल 10-11 हो गया पॉइंट्स डाल दिए हैं, बाकी अभी तक जितने भी थे वो सब 9 points में खत्म हो जा रहे थे। सो इसने टोटल 11 points इंक्लूड किए हैं और बहुत सी चीजें इसने डाली हैं, और डेफिनेटली सभी ने ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर दिया। देखा जाए मोर क्लियर, ज्यादा विजुअल मेरे अकॉर्डिंग, ऑफकोर्स नो डाउट एडवांस डेटा एनालिसिस इज गुड, शॉर्ट में आंसर दे रहा है, ज्यादा पॉइंट्स कवर कर रहा है, ओके। एंड देन जो टेस्ट 2 और टेस्ट 3 वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगे मुझे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। टेस्ट 1 इज गुड, इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, एक प्रेजेंटेशन करने का तरीका वो मैटर नहीं करता, बट वो कन्वे कर रहा है। अब इसका ये भी कर लेते हैं कि जनरेट पीडीएफ, जनरेट अ वर्ड फाइल, मैं बोलता इसको वर्ड फाइल ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये क्या करेगा, एक वर्ड फाइल क्रिएट कर देगा। अब जो हमने इससे क्वेश्चन करा ना उसका सेम वर्ड फाइल क्रिएट कर देगा। तो इसने जनरेट कर दिया, और जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था प्लगइन में वहां पर एक लिंक मिल रही थी, वो रिडायरेक्ट हो रही थी, यहां पर मैंने पेज दिखाया था, जैसा कि अभी यहां पर भी सेम हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगी फाइल। इसको हम टेस्ट 4 कर देते हैं। सो लेवल 1 में हमारा ऑफ कोर्स जो एडवांस एनालिसिस वाला है पास है, मतलब टॉप पर है वो, ठीक है। तो टेस्ट 4 डाल देते हैं। अभी फिर से चलते हैं हम टेस्ट 1 पे, और इस पर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ वेब रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। इट्स इजी थिंग, बहुत इजीली क्रिएट करना चाहिए इसको। आइए देखते हैं क्या पूछता है, मैं दिखाऊंगा सारे कोड को पेस्ट करके कैसे वर्क करता है। जो भी टेस्टिंग हमने की है वो मैं सारी जगह देख सकता हूँ इजीली, और जैसा कि अभी मैंने टेस्टिंग 1 में कोड का यूज किया था, अब इस कोड को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट कि कोड कैसा चल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका HTML कोड कॉपी करता हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा उसमें, पहले जो ये भेजना चाहते हैं वो देख लेते हैं, और एक CSS कोड है इनका, ये रहा CSS कोड। तो इन दोनों कोड को मैं अटैच कर लेता हूं इस फाइल के साथ। सो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ऑनलाइन कोर्स अबाउट करिकुलम प्राइसिंग वगैरह दिखी है, और ये ऐसा है, ठीक है।
एकदम सिंपल नॉर्मल है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन पूछेंगे सभी से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था उसको हम कर लेते हैं कॉपी। अभी टेस्ट टू की तरफ बढ़ते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं। हो इट्स बेटर देन प्रीवियस वन, राइट? ऑफ कोर्स बेटर वन। थोड़ा कलरिंग ऐड की है, थोड़ा ऑप्शन ऐड किया, बट उसमें बटन ऐड किए थे उसने। ये मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, ऊपर कुछ ऐसे बटन। ये ऑफ कोर्स एक्टिव नहीं क्योंकि जीएस का यूज नहीं किया इसने और मैंने बोला भी नहीं था करने के लिए, ठीक है? तो देखा जाए तो एज कम्पेयर टू दिस, दिस वन इज बेटर, करेक्ट? सो टेस्ट टू इज बेटर देन टेस्ट वन। लाइक जो हमारा चैट जीपीटी 4 है वो बेटर है डिफॉल्ट वर्जन की अगर कंसिडर किया जाए फिर भी। सो अभी हम बढ़ते हैं टेस्ट 3 की। तो टेस्ट 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से डिफरेंट लाइक टेस्ट 3 रन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार जो प्लगइन अटैच कर देते हैं उस प्लगइन को हम फिर से रीअटेम्प्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है? सो लेट्स से मैं एक नया ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं प्लगइन सेट करता हूँ एक और। एक बार में तीन प्लगइन ही यूज कर सकते हैं, ज्यादा प्लगइन नहीं यूज कर सकते, ठीक है? सो क्रिएट लैंडिंग पेज और ये दे दिया मैंने इसको। देखता हूँ ये लाइक खुद क्रिएट करती है या फिर हेल्प लेता है प्लगइन्स का। ओके, सो यहाँ पर पूछ रहा है कि वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ प्रीव्यू ऑफ दिस लैंडिंग पेज। सो मैं यस कर देता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। सो यहाँ पर ये वेब डेव का यूज करता है, देखते हैं क्या क्रिएट करता है। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जो इसने दिया है वो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है एक्चुअली। सो इसने ऑनलाइन कोर्स लैंडिंग पेज क्रिएट करके एक लिंक दे दिया है, उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो एक रीडायरेक्ट हो रही है नेक्स्ट वेबसाइट पे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सा आ रहा है इनके थ्रू। आई डोंट नो इन्होंने खुद सब कुछ इंक्लूड किया है या फिर नहीं, एक बार हम चेक कर लेंगे। सो यहाँ कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है? और मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, और इसको भी अगर फुल साइज कर ले तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस दिख रही हैं। यहाँ पर हमें एनरोल नाउ का बटन दिख जा रहा है, जबकि यहाँ हमें ऐसा कोई बटन नहीं दिख रही है। सो मुझे ये नहीं लगा अच्छा, सो इसको सेकेंड नंबर पर रख सकते हैं। इससे बेटर हमारा लास्ट वन था, लास्ट वन मीन्स ये वाला मुझे बहुत बेटर लगा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट 4। I'm impressed. Alignment बहुत perfect किया है, ठीक है? और अगर मैं इसको फोन के लिए देखूं तो yep, फोन के लिए भी perfect है। एक बार फिर से अगर हम ranking करें तो like अगर source last number पे तो of course हमारा 3.5 आता है, उसके बाद plugins वाली scene आती है, फिर उसके बाद हमारा जो default ChatGPT 4 है वो आता है, उसके बाद आता है हमारा ChatGPT का advanced data analysis। So this is the thing। अभी ये तो हो गई coding की part की, अभी हम आते हैं कुछ रेगुलर टास्क। तो मैंने यहाँ एक लिस्ट करके रखा है, बहुत बार दिख भी गया होगा। सेम आंसर हम सबसे पूछने वाले हैं, कौन कौन कैसे जवाब देता है देखते, लाइक 3.5 से देखते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा भैया, ठीक है, गुड। अभी टेस्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द गुड थिंग एक्चुअली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 5:30 AM मुझे उठा रहा है और रात को मुझे 1 बजे सोने के लिए बोल रहा है और सुबह 9:00 उठने के लिए बोल रहा है। सो इट्स रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी है इसकी, बट जो शेड्यूलिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं किया इसने। लाइक अगर मैं 1:00 सोऊंगा, सुबह 9 बजे उठूंगा, तो यहाँ 5:30 उठकर 6:00 का फ्रेशअप कैसे हो सकता हूँ? इट्स रॉन्ग टाइम टेबल। मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी है बट टाइम टेबल जो सही तरीके से नहीं किया, यहाँ पर लगता है कोई चेंजेस होने वाली है आई थिंक। अभी बढ़ते हैं 3। तो 3 में हमें एक नया चैट खोलना पड़ेगा क्योंकि हम उसमें फिर से नहीं कर सकते।
सो ये 10:30 to 6:30 उठने के लिए बोल रहा है और 6 AM लाइक मॉर्निंग यहाँ पर दिखाया है, तो ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, ऑल ओवर इट्स गुड। ये हमारा हार्ड टास्क है एक्चुअली, ये कोई भी जल्दी डिफाइन कर नहीं पाता, इसके लिए टाइम लगता है। अगर ह्यूमन बींग भी चाहे वो खुद उसको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है करने में। ओके अभी हमारा लास्ट टेस्ट होगा, इसने भी सेम गलती की है। अभी ये मुझे 12:30 सोने के लिए बोल रहा है और 9 o'clock उठने के लिए बोल रहा है, जबकि वर्कआउट टाइमिंग इसने मेरी 6 o'clock सेव करके रखी है, ठीक है। तो इस केस में जो ChatGPT 1 है 3.5 वाला टेस्ट 1 हमारा, वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है, बहुत सही तरीके से उसने दिया। सो इसमें उसने क्लियर विनर वही है, ठीक है। बाकी सब ने प्रेजेंटेशन तो क्लियर दी है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, मेरा वीकेंड का प्लान सेट कर दिया, लेकिन जो क्लियरली एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं, मतलब सच में जो चीज़ें होने वाली है, जो सेंसिबल चीज़ें हैं, वो ChatGPT 3.5 ने कर दिया, ठीक है, इसमें वो क्लियर विनर है। अभी हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं कौन कैसे काम किया है। सो पहले हमने टेस्ट किया हिस्ट्री जानने के लिए, जिसमें कि ऑफकोर्स ChatGPT 4 का जो एडवांस वर्जन है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो यहाँ पर हमारे 4 वर्जन आ चुके हैं, ये है 3.5, इसने बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया, क्या क्या हुआ, बहुत आराम थोड़े तरीके से सिंपल प्रेजेंटेशन था, मतलब अगर किसी को हिस्ट्री जाननी है तो इससे भी ईजिली पता कर सकता है। सो नॉट बैड, इसको भी 1 point मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ लाइक इंडिया, यहाँ पर इसने थोड़ा पॉइंट वगैरह डाल के लाइक अच्छे तरीके से क्लियर किया, सो यस इट्स बेटर। और हम अगर रैंकिंग करेंगे तो वो भी मैं बताऊँ कैसे रैंकिंग कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो गुड, ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम प्लगइन्स वाले में, तो प्लगइन्स में भी उसने बाई डेट वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया विद पॉइंट्स, सो ये ज़्यादा बेटर है, देखा जाए तो रैंकिंग ऐसे ही जा रही है। और फिर लास्ट हमारा जो आता है ये एडवांस डेटा एनालिसिस, तो इसमें चीज़ें काफ़ी और डिटेल में एक्सप्लेन की उसने, पॉइंट के साथ ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन करने का ट्राई किया और क्या डेट है वो भी मेंशन किए प्रॉपर्ली, ठीक है। सो अगर रैंकिंग करें तो इसको मिलेगा 1, 2, 3, 4, दैट्स क्लियर। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा हमारे कोड की तरफ, तो कोड में क्या हुआ कि लाइक इसने एक बिल्कुल स्ट्रक्चर जो ChatGPT 3.5 है उसने बस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, कुछ भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, सिंपल था, नॉर्मल था, ठीक है। और बात करते हैं हम ChatGPT लाइक 4 डिफॉल्ट वर्जन की, तो उसने बेटर परफॉर्मेंस दी और देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ी अच्छे तरीके से एडवांटेज क्रिएट किया है, लाइक एक डिफरेंट पेज लेआउट देने का ट्राई किया है। और प्लगइन्स की बात किया जाए तो इसने एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड करके शो तो किया, बट दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये हमने ChatGPT 3.1 में ट्राई किया था, राइट। तो इसने क्या किया था, एक अलग सोचे, बट मैंने जब ट्राई किया वो अलग था, ये अलग था, तो ये उतना कन्वीनियंट नहीं है। सो यहाँ पर ये 3.5 से भी बुरा परफॉर्म किया। ओके अभी ChatGPT 4 की बात करते हैं, तो इसने डेफिनेटली एक बेस्ट चीज क्रिएट करके दी और वो वर्थ इट है। सो यहाँ पर रैंकिंग कुछ इस तरीके से होगी, इसको मिलेगा 1 हमारा जो ChatGPT एडवांस है, और डिफॉल्ट को मिलेगा 2, 3.5 को मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टेस्ट। जो हमारा लास्ट टेस्ट था वो था रूटीन, मैंने एक रूटीन बनाया जो कि बहुत गंदे तरीके से मैंने बनाया था ताकि ये खुद समझ सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या रूटीन बनाया है ChatGPT 1 ने, इसने मुझे 6 AM उठाया, मेरे काम वगैरह किए, ठीक है, वर्कआउट सब कुछ सही है, ये भी ठीक है, सब कुछ सही है, और मुझे 10 AM स्लीप करने के लिए, और बोला ही नहीं कितने बजे उठना है। सो 10 PM अगर मैं स्लीप लाइक सोता हूँ तो आराम से मैं 6 o'clock तक उठ सकता हूँ। सो डेफिनेटली ये एक सही टाइम टेबल है, नो डाउट। ओके और इसमें नोट्स भी दिए हैं कि मैं चेंजेस कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ब्रेक वगैरह लेना है, कहीं जाना है, या कोई प्लान में चेंजेस तो कर सकता हूँ डिफॉल्ट वर्जन की तरह। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है प्रिपरेशन का, तो ये टेबल की फॉर्मेट में मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है। मुझे 5:30 उठा दिया, बाकी सब प्रिपरेशन कर दी, बट ये स्लीपिंग टाइम थोड़ा सा गड़बड़ करने में चला गया, ठीक है, वाइंड डाउन रिलैक्स वगैरह डाल के थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसने। ये लास्ट अगर ये जो 3 चीज़ें थी इसने लाइक पर्सनल वर्क से 11 o'clock
ये यहाँ इसके बाद थोड़ा चेंजेस करके इसको मॉडिफाई करके ठीक कर सकते हैं, मुझे आउटपुट चाहिए था प्रॉपरली, वो आउटपुट यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है, बट बेटर है, रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छी, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो हमारा है 3.5 में, लाइक ये प्लगइन्स सीन में, प्लगइन्स में हमें 3.2 चेक करना पड़ेगा, राइट। अभी 3.2 में क्या है, इसने लाइक कोई टेबल नहीं क्रिएट किया, जैसे कोई आंसर करते हैं वैसा ही करके दे दिया इसने, ये बेटर है देखा जाए तो। प्रेजेंटेशन तो प्रॉपरली नहीं किया, बट जो भी इसने आउटपुट दिए हैं वो एक्चुअली एक्यूरेट है, बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट, लाइक सही है कहा जाए तो, एक तरीके से ठीक, सही तरीके से किया। अभी लास्ट हम बढ़ते हैं हमारा एडवांस्ड, ठीक है, ये तो पहली बार 3 बार फेल हो चुका था, ठीक है, इसको पता ही नहीं चल रहा था कैसे करूँ कैसे करूँ, फिर लास्ट में इसने किया लाइक सिंपल तरीके से ही किया इसने, ओके हाँ, तो इसने भी क्रिएट करा सब कुछ सही तरीके से जो भी था, और इसने लाइक 7 to 10 AM मुझे खाना बनाने के लिए दे दिया, और लाइक इसको मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर रैंकिंग कुछ तरीके से होगी कि 3.1 जो है उसको मिलेगी रैंकिंग 1, रैंक 1 पे, ठीक है, और जो प्लगइन्स वाला है वो रैंक 2 पे, और जो चैट जीपीटी 4 डिफॉल्ट वो हाँ डिफॉल्ट वर्जन है उसको मिलेगा 3, और ना चाहते हुए भी एडवांस वाले को मुझे देना पड़ेगा 4th रैंकिंग। थर्ड पर ये इसलिए है क्योंकि इसने वीकेंड का भी प्लान किया, ठीक है, वीकेंड को भी बनाया है, ट्राई किया बनाने का, परफेक्टली नहीं बनाया बट बनाया है उसे, अच्छे तरीके से बनाया काफ़ी, और रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। सो ऑफकोर्स एडवांस से डिफॉल्ट वाला बेटर था इन सिचुएशन में। तो अगर ओवरऑल जज किया जाए तो सभी काफ़ी बेटर हैं, लेकिन ये जो एडवांस है ये विनर है, ऑफकोर्स विनर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्लगइन्स वाला है, अगर वो अच्छे तरीके से आप प्लगइन्स यूज करते हैं प्रॉपरली तो वो आता है, वरना ये जो डिफॉल्ट वर्जन है दोनों को मैं सेम प्रायोरिटी दूंगा अगर आप ऐसे नॉर्मली टेस्ट करना चाहते हो तो। वेल अगर आपको कोई प्लगइन वगैरह यूज करके ज्यादा आउटपुट चाहिए, ढेर सारे AI टूल्स यूज करने हैं तो प्लगइन्स बेटर है, वरना आप ChatGPT 4 को भी यूज कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफकोर्स मैं इसको लास्ट नहीं कहना चाहता ChatGPT 3.5 को, ये वर्थ इट है, लेकिन अगर थोड़ा आपको और एडवांस होना है तो डेफिनेटली आपको स्विच करना चाहिए। तो दिस इज द थिंग, ये मैंने बात किस वीडियो में कवर किया, आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, काफ़ी लंबी होगी वीडियो, एडिट करने में मेरी हाथ खराब हो जाएगी। सो बस यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।